हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। ये शाम का टाइम है और आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपके भी प्लांट बहुत अच्छे होंगे। और इस समय तो गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज सुबह थोड़ी सी बारिश हुई है तो पौधे थोड़ा सा आज अच्छे हैं इस टाइम, थोड़ा सा, क्योंकि सुबह की बारिश थोड़ी सी हुई है तो इस वजह से आज कुछ पौधों को राहत मिली है। तो इस समय फ्लावर खिल रहे हैं और गुलाबों का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है, और क्योंकि इस गर्मी है ना, इसी वजह से। और ये देखिए, ये गुलाब इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है, लेकिन ये गर्मी की वजह से एक ही दिन में मुरझा जाते हैं ये फूल। ये देखिए, क्या ही बता सकते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। और आज सुबह से ये अलमंडा है, इस पर पहुँच गया है। और ये दिखाते हैं आपको अभी, ये देखिए, ये नीचे डेंथस है, ये खिला हुआ है, ये देखिए ये। और इधर और दिखाते हैं, एक ये डेंथस है, मैंने इसको, ये देखिए, प्लांटों के बीच में मैंने गमला रख दिया है पौधों की छांव में। इस समय इस फ्लावरिंग कर रहे हैं, और गुलाबों का साइज़ देखिए बहुत छोटा हो गया है। तो गर्मी का इफ़ेक्ट इतना पड़ता है कि फूलों का साइज़ बहुत कम हो जाता है। और कभी कभी ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। और ये देखिए, मैंडविला का है, और इसमें ये देखिए कलियां बन रही हैं। तो और ये वाला कलर का फ्लावर्स, गुड़हल, ये कल ही खिलेगा। तो इस समय सबसे ज़्यादा पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, और खाद कम ही डालती हूँ मैं, ना के बराबर, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो पौधे बहुत ही ज़्यादा झुलस सकते हैं इसलिए। और ये देखिए, बीज दिन के राजा के हैं, ये देखिए पर्पल कलर के हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए, इस तरीके से कुछ में फ्लावरिंग हो रही है और कुछ में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये देखिए, मॉर्निंग ग्लोरी का ये बीज से ही सब ग्रो हुए हैं। और ये देखिए, इस पे चढ़ गई है बेल। और ये देखिए, और ये मैं सब्जी के छिक्कल ऐसे ही मैं डाल देती हूँ। और ये कॉस्मोस के, ये देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर ये आपके पास एक बार प्लांट आ जाए तो इससे ढेरों सारे बीज बन जाते हैं, और नए नए फ्लावर्स, पौधे, नए नए प्लांट तैयार होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बीज बनते हैं, और मैं इनको ऐसे ही डाल देती हूँ। टाइम से ये जम आते हैं। और ये देखिए, मेरे चीनिया के फ्लावर्स खिलने लगे हैं, ये भी बीज से मैंने ग्रो किए हैं। और इधर ये कॉस्मोस में, ये भी बीज से ग्रो किए हैं। और ये देखिए, कली बन गई हैं। और इस तरीके से ये देखिए, ये चंपा का प्लांट है, इसमें भी फ्लावर्स आने वाले हैं। और ये इधर ये देखिए, ये ढेर सारा सदाबहार जमा हुआ है, सब बीज से अपने आप ही ग्रो हो गया है। ये देखिए, पहले मैं सोचती थी कि मुझे कोई सदाबहार का प्लांट दे दे, और लेकिन मैं नर्सरी से ख़रीद लाई, तो इसी वजह से मेरे पास और ढेर सारे अपने आप ही प्लांट ये ग्रो हो गए हैं। तो मुझे अब सदाबहार के प्लांट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही हो गए इतने सारे। तो अगर एक भी प्लांट होता है आपके पास, तो
तो उससे ढेर सारे प्लांट आपके पास हो जाते हैं, तो बीज को सेव कर सकते हैं और उनको ग्रो करके आप नए फ्लावरिंग कर सकते हैं। और इधर देखिए, ये कलाडिया के, ये भी नहीं मेरे पास प्लांट फ्लावर थे, तो ये नर्सरी से जब मैं विंटर का सीज़न था तो मैं लाई थी, इस वजह से मुझे ये बन गए हैं, अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये 4 o'clock का है, ये भी मैं, ये वाला प्लांट मैं बहुत दिन खोजी पर मुझे मिला नहीं। जब मैं अपने गांव गई थी तो वहां से मैंने बीज कलेक्ट किए थे, अपने घर से वहां पे था, तो ये मैंने बीज बो दिए हैं, तो बहुत अच्छे से ये देखिए ये है, अच्छे से जम आए हैं। तो बीज से पौधे बहुत हेल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो आप भी ट्राई करिए बीज से पौधे ग्रो। देखिए नीम, मीठा नीम, ये देखिए मीठा नीम लगे भी हैं, और अनार का है, ये नींबू का, अभी नींबू लगे हैं लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा है क्योंकि पानी बरस नहीं रहा है। तो ये देखिए, तो जब बड़े होंगे तो मैं आपको दिखाऊं। और ये सब कटिंग से तैयार किए गए हैं, ये चंपा भी अभी खिलने लगा है, ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और ये धूप की वजह से देखो कैसे बर्न हो गया है ये, और गिर भी रहा है ये लाइट बीच में येलो है और वाइट है, और एक दूसरा जो चंपा था वो रेड पिंक, लाइट पिंक कलर का था। और अभी पौधे कुछ इस तरीके से हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में पानी के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ कि पौधों को किस तरीके से हरा भरा रखा जाए। और मैं वेजिटेबल्स वाले बेकार छिकल का यूज़ करती हूँ, और केमिकल खाद तो मैं नहीं डालती हूँ, इसलिए मेरे पौधे कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। और तुलसी जी हैं, और इधर गुड़हल है, और ये वाला भी कनेर है जो अब खिलने लगा है, ये देखिए। और ये टिकोमा है, ये देखिए अब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, ये देखिए। और इतनी गर्मी पड़ रही है तो पेड़ पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये गमले में लगा है कनेर का प्लांट, काफ़ी लैगी हो गया है, ये देखिए। और इधर ये इसमें कली बनने लगी हैं, ये देखिए गंधराज का है ये प्लांट। और ये मैस्कल पेटोनिया, इसकी कटिंग लगाई थी, कितना बड़ा हो गया है, कुछ तो अपने आप ही पीस से प्लांट ग्रो हो गए हैं। तो आज कुछ बारिश हुई है तो इस वजह से कुछ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। बेला है, इसमें देखो कली बनने लगी हैं, ये देखिए। और ये गुड़हल है, ये देखिए खिल गया है, आज शाम है ना तो इस समय बंद होने जा रहा है। और ये नीचे ये देखिए आम लटक रहे हैं, ये बंदर को छुपाने के लिए इसने कपड़ा बांध दिया है। सबसे अच्छा ये फ्लावरिंग है कनेर का, मैं ढेर सारे फ्लावरिंग आती हैं, ये देखिए, क्योंकि इसमें बराबर पानी पहुंचता रहता है, ये देखिए।
और ये सीड पॉट बन रहे हैं। ये देखिए पिछली बार तो इनसे एक प्लांट ग्रो भी हो गया था। सबसे ज़्यादा इसी में कनेर में फ्लावरिंग होती है, क्योंकि इसमें लगातार नीचे पानी आता रहता है। ये देखिए ये अमरूद का प्लांट है, इतना बड़ा हो गया है। और ये देखिए अमरूद लगे भी हैं, ये देखिए। लेकिन इसका बंदर सब डाल तोड़ देता है। और इधर चांदनी का है, आज थोड़ा पौधों को राहत मिली है थोड़ी सी बारिश होकर। तो आप भी अपने पौधों का ध्यान रखिए, सिर्फ पानी ही ज़्यादा दीजिए टाइम पे, दोनों टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को बचाने की कोशिश कीजिए। ये मेरे सामने दादी रहती हैं, अपने पौधों की बहुत केयर करती हैं। उनकी वजह से इतने सारे पौधे अपने घर में उन्होंने लगा लिए हैं। ये देखिए क्या खाना चाहिए। ये मधुमालती का प्लांट है, ये देखिए सब फ्लावरिंग हो रही है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस समय गर्मी में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग लेने की कोशिश ना करें, सबसे ज़्यादा आप पौधों को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जितने ही प्लांट आपके बचेंगे उतने ही आपके अच्छा होगा, उससे नए प्लांट बन जाएंगे और पौधे भी आपको नए खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं की। आप अपना ध्यान रखिए, अपने पौधों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।